गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कक्षा सात विषय हिंदी बसन पाठ चार और जो पाठ पढ़ रहे थे हम लोग कठपुतली। कठपुतली का अगला प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए का अर्थ है बहुत दिन हो गए, मन का दुख दूर नहीं हुआ और ना मन में खुशी आई। किस एक कौन कह रहा था? कठपुतलियाँ कह रही थी कि बहुत दिन हो गए कि ना तो मन का दुख दूर हुआ और ना ही मन में खुशी आई। अगला प्रश्न देखेंगे। दो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो पहले देखो, सन 1857 में स्वतंत्रता सेनानी का नाम जो है पहले कुंवर सिंह, दूसरा तात्या टोपे, और सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काट और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इस बोलने और इसे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काट से बना कट गुलाब, कट फोड़ा, उसी प्रकार हाथ हथ, हथकरघा और हथकड़ी, सोन सोना और सोन सोना, सोन सोन से बना सोनभद्र और सोनभद्र, मिट्टी मट, मट मैला और मटका, ऐसे इस तरह के मेरे शब्द बने।